यदि आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले हैं और इंटर या मैट्रिक में हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको तीन अपडेट बताने वाले हैं। पहला अपडेट कि डमी पंजीयन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे इंटर हो या मैट्रिक हो। उसके बाद हम बात करेंगे जो विद्यार्थी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं उनको मौका मिला है 5 अगस्त तक, तो आप 5 अगस्त तक कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसका क्या शुल्क रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपका फाइनल रूप से परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है कब जारी होगा। तो पूरी जानकारी देने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तीन जानकारियाँ जो बारीक से हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानकारी को हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहले अगर आपको डमी पंजीयन डाउनलोड करना है या फिर आपको करना है, मतलब कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इसके लिए ऑफिशियल सूचना जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि यह एक अंतिम मौका है जो आपको कब तक परीक्षा फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेना है, तो 5 अगस्त तक मैट्रिक इंटर। आगे बात करेंगे परीक्षा फॉर्म के बारे में भी नोटिस जारी किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे लाइव में ही, वीडियो में दिखाएंगे, ये नहीं कि हम आपको वीडियो रोक करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अंतिम अवसर दिया गया है, इसका भी आप रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त तक स्कूल कॉलेज के माध्यम से करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बात करेंगे डमी आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो डमी डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया गया है, जो हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे डाउनलोड करना है। फिर आपको नीचे आ जाना है तो डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डमी पंजीयन डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए दसवीं का है और यहाँ पे बारहवीं का है, तो हम लोग जैसे दसवीं का डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, लिंक वन या लिंक टू कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इसमें हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल कोड, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, जन्मतिथि, ये तीन चार चीज़ आपको भर देना है। भरने के बाद आपको सर्च कर देना है तो आपके स्क्रीन पर आपका डमी पंजीयन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, हम आपको मैसेज का जवाब तुरंत देंगे। इसके अलावा बात करते हैं परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो यहाँ पर चलिए परीक्षा फॉर्म से संबंधित जो ऑफिशियल सूचना आई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल सूचना जो है इसमें क्या बताया गया है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हुए छात्र, यानी जो छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनका ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने हेतु समिति के द्वारा तिथि को विस्तारित किया गया है, यानी समय को बढ़ा दिया गया है। तो बात कर लेते हैं आखिर कब तक आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, तो ये पिछले वर्ष का डाटा है। देखिए 17 अक्टूबर तक लास्ट मौका दिया गया था और परीक्षा फॉर्म भराने की शुरुआत जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू हो गया था। तो आप लोग का परीक्षा फॉर्म कन्फर्म है सितंबर से, अगस्त के लास्ट सप्ताह से और सितंबर से शुरू हो जाएगा, जो आपका अक्टूबर तक चलने वाली है। अक्टूबर के बाद आपका परीक्षा फॉर्म भराना बंद हो जाएगा, एक मौका आपको और दिया जाएगा नवंबर में, रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने का दोनों मौका दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए और समय आपके पास बहुत कम है। परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है, डेली ऑनलाइन टेस्ट कहाँ देना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है और क्वेश्चन पेपर देखना है। तो इसके लिए गूगल पे आकर के सर्च कीजिए MNC क्लासेस, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे बारहवीं और दसवीं दोनों का, फ्री में कंटेंट आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और डेली आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लगाकर देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और यहाँ से BSB बिहार बोर्ड का सभी अपडेट देख सकते हैं, बारहवीं बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, दसवीं की तैयारी कर सकते हैं। तो सब कुछ जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, तो आप लोग आकर के एक बार चेक कीजिएगा। और बिहार बोर्ड का अपडेट पर क्लिक करेंगे तो बिहार बोर्ड का जो डमी पंजीयन था वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाना है, नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2025 के लिए जल्दी करें अंतिम मौका है। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर जो है आपको सभी अपडेट दिखा दी जाएगी। नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो ये सब जानकारी आपको समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दिया गया है ये सब जानकारी आपको समझ लेना है, ठीक है। और यहाँ से समझ करके आप अपना जो है पंजीयन देख सकते हैं, परीक्षा फॉर्म कब भरा सकता है ये देख सकते हैं, और फ्री में आप सब कुछ तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। जो भी जानकारी बच रहा है, नहीं बता पाए हैं, वो जानकारी के लिए आप हमें कॉमेंट कर दीजिए, हम आपको वहाँ पर तुरंत जवाब देंगे। बाकी यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार बोर्ड का छोटी सी भी छोटी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह चैनल आपको ग्रेजुएशन तक सपोर्ट करने वाली है, इसलिए आप सभी इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।